नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह 8:35 पर चकेरी सिविल एरोड्रम से हेलीकॉप्टर से कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौख के लिए उड़ान भरी। 9:25 पर परौख स्थित पथरी माथा मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम 4 तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और प्रियजनों ने उन्हें भेंट दी। शाम 4:25 पर वापस कानपुर सिविल एरोड्रम के लिए उन्होंने उड़ान भरी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मौजूद रहे। ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर साइकिल को टक्कर मारते हुए पलट गया। सड़क हादसे में साइकिल सवार दो बुजुर्ग दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक और सहायक ट्रक के अंदर ही फंस गए, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। सदर कोतवाली के हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। हरदोई में नशे में धुत एम्बुलेंस चालक ने सवारियों से भरे टेम्पो सहित कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार कई सवारियां घायल हो गई, साथ ही टेम्पो सवार एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। वहीं महिला की गंभीर हालत देखते हुए महिला को लखनऊ रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस चालक की पहचान झाल निवासी रतिपाल गुप्ता के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बरेली में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती का सिर कलम करके लाने वाले को 1 के इनाम की घोषणा करने वाला शख्स हाफिज फैजान रजा को इज्जत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद हाफिज फैजान रजा के खिलाफ उप निरीक्षक इशरत अली की ओर से आईटी एक्ट और समाज में वैमनस्यता फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को फैजान रजा बता रहा है और इसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि कोई एक व्यक्ति विशेष को मारने पर वो उसको लोगों को 1 करोड़ रुपए देगा। इस पूरे प्रकरण में कुछ अन्य बातें भी, आपत्तिजनक बातें भी उसके द्वारा कही जा रही थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा धारा 153A, 505(1) CIPC और आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर के गांव के पास से बह रही पहाड़ा नदी में नहाने गए परिवार के 2 की डूबने से मौत हो गई। दरअसल जब बच्चे काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने बच्चों की खोजबीन की। तब किसी ग्रामीण ने बताया कि बच्चे नहाने के लिए नदी पर गए थे। फिर जब गोताखोरों की मदद से नदी में बच्चों की तलाश की गई तो दोनों बच्चों का शव नदी से बरामद हुआ। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से मनोज यादव अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पत्र यहां जिलाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। फिरोजाबाद में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने सरेराहा एक व्यक्ति को गोली मार दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीलीभीत के बिसलना थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव पसकावा में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह गांव वालों ने एक युवती का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटकता हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त 16 लड़की के रूप में की है जो इसी गांव की रहने वाली थी। वहीं लड़की के चाचा का कहना है कि लड़की का गांव में एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वो कल रात 11 से गायब थी और आज सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।